आज हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है मंजू, तो जी उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और 25वीं मैरिज एनिवर्सरी के लिए आप दोनों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं अपनी YouTube फैमिली से बोलूँगी कि मंजू दीदी और उनके हस्बैंड को बहुत सारी विशेष देना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत अच्छे 25 साल बिता लिए हैं और आने वाला टाइम भी उनके लिए ऐसा ही हो। अभी उनकी सिल्वर जुबली है और गोल्डन जुबली भी उनकी बहुत अच्छे से मनाई जाए। मैंने एक छोटी सी क्लिप भी उनसे मंगाई है, तो आप भी उनसे मिल लीजिए। चुना एक दूजे को मौसम जाए, बोले तुम्हारे संग रह जाए। एक बार फिर से बोलूंगी बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे क्या कर रही है रोक्सी, कहाँ जा, क्या कर रहे हैं तुझे? रोक्सी हट जाना, क्यों परेशान कर रही है? मैं मारूंगी अरे चाहिए मुझे वाले बंदर, रोक्सी बंदर, बंदर व्यालिए, व्यागे बंदर, बंदर आलिए अब छोटा का पंडा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो सूर्य देवता को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छे से खिलखिलाती धूप आंगन में आ चुकी है और सारे बच्चे जग गए हैं और सबको एक एक काम सौंप दिया गया है। कल पेंट करवाया था इस झूले के उस पर, डंडे पे, और ये जाम कर दिए इसके, इसमें अब ये सरसों का तेल लगा रहा। पूजा ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अंकित जाएगा ड्यूटी और इसे ड्यूटी दे दी है सुबह सुबह। किस चीज की? पैसा। सुबह सुबह लक्ष्मी तेरे घर में आ गई, लक्ष्मी पैसा। इसे सिलेंडर की ड्यूटी दे दी, क्योंकि सिलेंडर खत्म होने वाला और लाइट टाइम पर आती नहीं जो इंडक्शन से काम कर ले। चलो लाइट चली गई बेटा, इंडिकेटर में मैंने देख लिया। अच्छा शीशा देख रहा है आईना सामने, शीशा तो ये लिकड़ता पड़ता देखा है। इसके कमरे में तो बड़े बड़े शीशे लगवाने पड़ेंगे। चिंकी थी मेरे साथ में और इनके पापा चले गए अभी घर। ये कह रहे थे कि बच्चों को देख लूंगा मैं, मगर ठीक है देख लो, कई दिन हो गए बच्चों को देखो, क्योंकि यार वो सत्ता ही नहीं मेरे साथ में। चिंकी हमने पेपर की तैयारी करनी, तू जा। आज मेरे साथ ये क्या हो गया, ये मैंने कंबल गिर गया था बारी वाला, इसमें पहले तो सब घुसाया, अब ये मेरे पे निकल नहीं रहा। मगर भाई तेरे में एनर्जी ज्यादा है, तू निकाल इसे। वैसे नहीं चढ़ गया इसमें भी, साफ हो गया यो, गंदा हो रहा था ज्यादा। चल भाई निकाल दे। और सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि बबली जी ज्यादा ना थको, अभी तो पोर्ट टाइम है और पहले थक के बीमार हो गए तो काम खराब हो जाएगा। नानू नी कुर्सी टूट जाएगी, वजन है भाई इसमें, बस जाते भी नहीं, फिर नीचे नहीं चढ़ जाएगा तो दीवार पे। तू निकाल निकाल दे इसमें से, बस निकाल दे, नहीं नहीं छोड़नी। पर लेते तीसरे नंबर के तली कटेगा। हाँ कट है ना, तुझे गेरूंगी, खोल गेरूंगी इसमें, बस इसमें गिर जाएगी, साफ है ये तो पानी। 11:30 बज गए अब भाई, पता नहीं दोपहर के हैं या मॉर्निंग के हैं, इसमें गुड मॉर्निंग तो बोल सकते हैं, दोपहर कह सकते हैं क्योंकि धूप हो गई है अच्छी। और ये आ गया है गुड, और मेरे लिए ये आ गई छा। सबसे पहले मैं गुड़ छा का सेवन कर लूं, है उसके बाद और ये अभी स्टडी कर रही है, स्टडी। उसमें आता है रीडिंग, लर्निंग, कैलकुलेटिंग, ईटिंग, फाइटिंग, है सब कुछ आ जाता है। फाइटिंग इसके साथ कर रही है, बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक सा हो जाता है सभी। बस अब इसका पानी नहीं चढ़ रहा, बस धर दे अपने आप। इसमें नहीं हो गए गगन, दो कंबल ले रहा ना। अच्छा उनमें गिर जाएंगे, कवर धूप है तो मंगाई, मैं कहना सेम लूंगी फिर जो ठीक हो जाएगा काम। तो उन्होंने कह रहा चाची जी नू सेम दियो, अभी मैं जो है तीन इकाई बना पड़ा रहा हूँ उसमें। एक नई मकान में ठंड तो लग गई है ना, तो सुबह से क्या 4-5 दिन से पूरी मेहनत चल रही है घर के कार्य में। इधर मिस्त्री काम खत्म होने लग रहा, इधर हमारा भी काम जो है संगावे लग रहे हैं सारा काम। गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े सब धो दिए, रिजाई का खोल कंबल सब, कुछ नहीं रिजाई भरवा दी, छह रिजाई भरवाई।
अभी फिलहाल बज गए हैं 12 का टाइम ऐसा है अभी ऑर्डर मिला है बहुत ऊपर से कि बच्चों को जो है अगर पढ़ रहे होंगे तो कुछ नहीं कहना है, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो मेरी तरफ से जो है उनका भरता बना दियो, मतलब खाने का भरता टाइम पर, मतलब खाना दे दियो, उन्हें बैंगन रखे ना तो ये बोल रहा कि भरता बना के दे दियो, उन्हें भरता बहुत पसंद है। अरे बेटे बहुत ध्यान रखते हो ना तुम्हारे बड़ा केयरफुल बापू हूं ना मैं। और सुबह से ना मजे आ रहे हैं इनके यहाँ पे, आज छुट्टी मना रहे हैं। किस चीज की छुट्टी है बेटा? बसंत पंचमी। ओ बेटा बहुत खुशी की बात है, जीत रहो। कंप्यूटर में लगे हैं 2-3 जने तो यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे, और अब जो है मैं अपना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो शुरू करता हूँ उनपे। लाठी चार्ज तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा जरूर। कहाँ यार उस? अब भी देख रहा। आओ बेटा चलते हैं, इतनी शक्ति दिखा रहा, अब भी देख रहा। आओ चलते हैं। और उसका फर्क स्टेशन है वहाँ पे, बहुत मेहनत करती है हमारी ये बच्ची वीडियोस देखने में। शॉर्ट्स वीडियोस और वीडियोस में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख के। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कब जा रखा जना तू? इसे बाहर की आवाज नहीं सुन रही भाई? रे भाई साहब यहाँ कुछ चल रहा है। देखो ये गेम ना ऊपर से ऑर्डर आए सख्त, और उसने कहा मुझे अभी रिपोर्ट दो बना के कौन क्या कर रहा, भेज दू तेरी नेगेटिव। हाँ ऐसे ही चिल्ला के भेज दूंगा। अभी नहीं, ये वीडियो बना लेता हूँ मैं नहीं, और नहीं, 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 बेटे एऊ नहीं चलता इसमें, एऊ का इसमें कोई चक्कर चलता ही नहीं है, ये तो मैं भी भेज देता हूँ उसे। मान नहीं रहे बिल्कुल भी, पिछले 3 घंटे थे यहाँ लगातार बैठे और जो भी कह रहे हैं वही बुरा। काम ज़्यादा होने की वजह से व्लॉग भी पूरा नहीं बन पाता है। आज फिर से बहुत सारे कपड़ों की कवर की रजाई के खोल, गद्दों के कवर सब की जो है धुलाई हो चुकी है, और जो कल धुलेंगे वो इधर इकट्ठे कर दिए, क्योंकि भाई अभी 12:30 बज गए हैं। खाना पीना तो सबका हो गया, और मुझे सिलना था ये कवर, ये भी अधूरा रह गया, और आज मेरी दवाई ख़त्म है तो मुझे डॉक्टर के भी जाना, 1 बजे का मेरा नंबर है। अब मैं तैयार होंगी, घेर में जाना पहले तो मुझे, तैयार तो मैं वहीं होंगी क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं मेरे कपड़े वपड़े, तो अब गुड्डू के पापा को बुलाऊंगी और नहा कर मैं चली जाऊंगी। तो ये कवर जो है मैं एक साइड में ऐसे ही रख देती हूँ, फिर सिल लूँगी टाइम सा लगा के। और नीचे भी बहुत सारा काम संगवा दिया, उस कमरे में भी बर्तन जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे वो सब कट्टे वगैरह में भरकर रख दिए। आज लगाया कुछ खाली खाली सा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर नहीं रह रही बहुत अच्छे तरीके से। कल इसमें कपड़े सब उलट पुलट थे रात के टाइम में, इन सब की तय बना कर चादर ढक दी ताकि धुले हुए कपड़े गंदे ना हो, इन कट्टों में बर्तन रख दिए डाल के, जिससे कि इन्हें तो छत्ती में डाल देंगे और जब इनकी जरूरत पड़ेगी वो निकाल देंगे। इस सोफे पर रह रहे कपड़े संगवाने, क्योंकि अभी ऐसे ही रखे ढक रखे पर मैंने चादर थे, क्योंकि डेली कपड़ों की धुलाई होती है, कपड़े हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धुलते हैं, आप सही बोलते हो। पूजा ने आज सारे घर के जूते चप्पल निकाल दिए, अब इन्हें सारों के कट्टे भर दे। और रोक्सी हमारी चौक साइप है, ये देखो रोक्सी ध्यान रखने के लिए है यहाँ से। अभी मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, लेकिन पंगा ये हो गया है कि अभी घर में ना उधर बाइक है ना इधर बाइक है, सबके सब अपने अपने काम पे गए हुए हैं, और फिर यहाँ पे भी कोई सना कोई आ जाएगा तो तब मैं यहाँ से जाऊँगी, नहीं तो फिर पूजा जो है अकेली रह जाएगी। पेंट का काम 1 दिन का रह गया, इसलिए आज पेंट करने वाले तो नहीं आए, बस टाइल्स लगनी रह गई एक कमरे, उसमें फिनिशिंग हो जाएगी, फिर जो है इसमें पेंट रह जाएगा, पेंट होने के बाद में सब नीचे का फर्श धुलेगा और ऊपर का भी धुलेगा। जब तक जो है अपना ये काम हम लोग संभालते रहेंगे, फिर लगातार हमारे शॉपिंग में लग जाएंगे कई दिन, क्योंकि हमें जाना है फिर मुजफ्फरनगर बच्चों को लेके, और 1 दिन में सब 2 दिन में कपड़े बदल बदल कर फिर डाल देंगे, उनको ना धो और फिर जो है ना संगवाओ, ये काम रहेगा। तो जी आज है बसंत पंचमी, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हैप्पी बसंत पंचमी। आज धूप अच्छी खिलखिलाती है, बोलते हैं कि जैसा दिन बसंत पंचमी वाले दिन होता है पूरे सवा महीने के लिए बोलते हैं होली का गुस्सा रखा जाता है, उसके लिए पूरे महीने तक दिन ऐसा ही रहता है, तो कोई भी बादल नहीं कुछ नहीं, बोल रहे थे 13-14 तारीख में बारिश होगी, शाम तक का तो पता नहीं, अभी दिन के बजे है 1,
लेकिन अब तक इतनी खिलखिलाती धूप है, बहुत खिलखिलाती धूप है। एक घंटा या 15 मिनट तक कोई भी धूप में नहीं खड़ा हो सकता। देख इतना अच्छा दिन निकल रहा, हर जगह की बात नहीं करूंगी, अपने यहाँ की बात कर रही हूँ। अभी आ गई है गुड्डू, दिन के बजे हैं 2 और पूजा कर दी अब गैस साफ, क्योंकि इसने खाना बनाया था और बस अब जो है खाना पीना सबका हो गया। गुड्डू मैं जा रही, तू रह ली पूजा के पास और क्या। अब आप चले जाओ ना। अब मैं जा रही, ठीक है पूजा, रील मंगवा के सील लिए वो, सील लगी आपको किस तरह सिल लगी तो बता दूं। तो जी ये हैं हालात, और इनकी मम्मी 2 दिन से यहाँ पे है नहीं, वो वहाँ पे काम करवाने के लिए चली जाती है। तो पूजा भी है, पूजा के साथ में थोड़ा सा जो वहाँ का सिस्टम है वो सही करवाने लग रही है 2 दिन से, और ये यहाँ पे बेकाबू हो रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते। कुछ ऐसा उपाय बताओ मुझे जो मेरी बात मानने लगे, मैं इनके लिए क्या ऐसा इलाज करूं जो ये भाई थोड़ी बहुत मेरी भी सुनने लगे। अब सुन नहीं रहे ये, और इन्हें पता नहीं अभी न पिटाई का पता, न छिताई का पता, न ये पता कि भाई कैसे क्या हो सके तुम्हारे साथ में, कौन सा एक्शन लिया जाए। अभी भोले बन रहे ना, और बापू भी इनका इन्हें भोला ही लग रहा है अभी भाई। आज थोड़ा सा इन्होंने जो है ना लंबा टाइम खींच दिया, यहाँ पे बैठे भेज दी तुम्हारी वीडियो बना के, कर लियो सही कुछ ना कुछ एक्शन आवागा चलता हुआ। मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये देखो या तो ये कंप्यूटर पे बैठे थे और इनकी शिकायत मुझे वहीं मिल रही थी, और ये आवाज़ सुन तो ही मैं चिंकी के साथ बात कर रही थी, या लिए नीचे उतर के। अब तो ये इतने सुधे बन जाएंगे, बहुत सुधे बन जाएंगे। हाँ भाई क्या कह रहा था, मम्मी वही रह करेगी कभी, जब ये तो मजे आ जाएंगे, इसके मजे आ जाएंगे, इसे कोई रोकने टोकने का नहीं, जो कोई कुछ कहेगा ये अपनी चलावेगा। तो मैं क्या हिला आरुसी, इस चक्री में पा आ गया ना, काट देगी यो रेडेगा 2 दिन तक, तो मैं पता नहीं क्या हिला पा रहा। नंदू चारा खिला रही, इतनी तो जड्डा भी नहीं हो रहा जितना तन्ने टोपा उड़ रखा, टोपा उड़ने का। ये देखो एक मुंगा लग रही है, एक मुंगा लग रही, मारे तो दही भी दुख रही। सब्सक्राइबर मारे नु कह रहे कभी मारना हो जाओ। इतना काम कर करके कभी बीमारी हो जाओ। लाइट आती तो उसमें बढ़िया सूख जाता, और भी बहुत देर की पढ़ाई हो, बहुत देर तो बनने 12:30 बजे तो पहले धो देते, उससे पहले जाली होगी लाइट। हाँ जब ही जाली वाला लाइट। चलो जी संजय जी आ रहे बता रहे, बच्चे लोगों मौसा जी आ रहे, चलो उनसे मिलते हैं, ऊपर चल ली पहले मैं। अभी संजय जी खाना खाने के बाद में चले गए हैं घेर में घूमने के लिए थोड़ा सा, तो जी उनसे भी मिल ली हूँ मैं। और चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।